वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो अभी मैंने फिलहाल एक व्लॉग एंड किया और दूसरा स्टार्ट किया है, और अभी हम इधर रुके थे क्योंकि चाचू को चाय पीनी थी, चाचू वाली ड्राइवर को पीनी थी फिलहाल। तो अभी फिलहाल सारे अंदर ही बैठे थे, हम उतरे थे सिर्फ। तो अभी फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं सीधा, जाएंगे चिंतपूर्णी। अब तो शायद लुधियाना स्टे होएगा सीधा, वहाँ से रुचि बुआ को लेना है, तो अभी फिलहाल चलते हैं। तो भाई सबको कैसी फील आ रही है? फील गुड्डा दुख का सारा बाबा नहीं हुआ। तो बाबा जी सो गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। है क्या दोगे? खत्म हो गए बेटा, नट कट और बिस्किट। भाई नट कट और बिस्किट खत्म हो गए, जल्दी भिजवा दो, ट्रांसफर कर दो। मैं बोलता हूँ चुप रहो, तो नट कट बिस्कुट खत्म हो गए, ऐसे बोल रहे। तो अभी यहाँ सारे कंबल वगैरह उड़ के बैठ चुके हैं, ठंड सर्दी हो चुकी है पूरी। इधर ये बड़ी बैठी, ये बड़ी और वो छोटी, और ये बुर्जनी। सो भी बस ड्राइवर आ रहे हैं अपना पी पू के, मतलब चाय पी के। तो अभी तन में खा रहे इधर नटकट, नटकट आया खत्म नहीं हुए। तो अभी फिलहाल हम निकल पड़े हैं उस रेस्टोरेंट से चाय वगैरह पी पू के यहाँ पे, और रोड देख रहे हो आप, सुपर लग्जरी रोड। और अभी इसमें ना गाने वगैरह बजाते, अभी तक भजन बज रहे थे इन स्पीकर्स में कन्वर्ट करके, आप आगे 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 वाले बंदों को गाने सुनेंगे। तो अभी गाने बजाते हैं इसमें मस्त। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, रात के 1:30 बज चुके हैं, एंड अभी 5 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँचने वाले। वहाँ से हमारे लिए सैंडविच या जो भी कुछ खाने पीने का आएगा रुचि बुआ लेके आएगी। तो रुचि बुआ एंड उनकी बेटी आ रही है, मुझे नाम नहीं पता क्या है उनका, तो फिर वो भी अपने साथ चलेंगे वैष्णो देवी और जो जहाँ पे भी आप आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल बस पहुँचने वाले 5 मिनट में, और सबकी नींदें पूरी हो चुकी है, 2-2 घंटे सारे सो लिए। बस चाचू, मैं, ड्राइवर नहीं सोए और पापा नहीं सोए। सारे तो सो लिए। ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम है म्यूजिक वाला, जैसे कोई गड्ढा आया तो अपने आप बंद, अपने आप ऑन। बेचारे गाने पॉज होते रहते हैं, फिर वापस स्टार्ट होते रहते हैं। देखो इसमें बजने लग गया डिस्कनेक्ट होके। शहर मोहाली कोठी पाली गेड़ा सेक्टर अटकुड़े काना थाना रुबी को ना मर कयाले जटकुड़े। अभी हम निकल पड़े हैं इधर रोड पे घूमने के लिए, नाइट वॉकिंग पे लुधियाना में। फिलहाल अभी इधर अपना टेम्पो ट्रैवलर रोक लिया है, और इधर आने वाले हैं भुआ और सब। वो अपना खाना पीना लेके आराम से डिनर सेट करके सैंडविच वगैरह जो भी है लेके आएंगे, फिर आप खाएंगे, एंजॉय करेंगे, सिस्टम हैंग करेंगे। सो लुधियाना जो सिटी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, ग्रीनरी वगैरह और सब, मतलब कि क्लीन है वैसे। और कैसा लग रहा है चाचू आपको झारखंड से लुधियाना में आके? तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहले भी आया हुआ हूँ। अच्छा पहले आए हो क्या? मैं पहले भी आया हुआ हूँ। तो चाचू को वैष्णो बहुत सी यादें इस लुधियाना से जुड़ी हुई है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। पर ऐसा बुरी, ऐसा क्या है? बुरी ज्यादा जुड़ी हुई है, अच्छी कम जुड़ी हुई है। तो फिर तो ना ही बताओ। और ये हर्ष बाबू आ चुके हैं, हर्ष बाबू, और ये चप्पल एक्सचेंज करने है स्पेशल टेम्पो ट्रैवलर से। इधर आराम से बैठा था, सो रहा था, चप्पल एक्सचेंज करने आ गया भाई साहब। इस दीबू रोने को हो रही है फिलहाल, एंड इधर है और यह खुशी अपना सो रही है मस्त। नहीं दिखा रहा है, ये तो सबसे पहले लगाऊंगा। क्या बोल रहे हो? और माँ जी की हाल है? की हाल है? ये बुर्जनी अपना मस्त सो रही है। और ये बड़ी भी नींदों में है, और ये बड़ी छोटी मामी भी नींदों में है। ये मामा नींदों में नहीं है, मामा जाग रहे हैं। इधर तन में सेटिंग कर रहा है, और वहाँ सारे सैंडविच की वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होके। सो गाइस अपना नुई है लुधियाना से, हमारे सैंडविच आते रहे हुए, वैष्णो देवी जाते रहे हुए, खाते रहे हुए, ऐश करते रहे हुए। चाचू ने बोला कि डायलॉग बोल्स ये। तो फिर अपना है ही नुई सिस्टम है। तो अभी फिलहाल आने दो भाई सैंडविच, जल्दी आ यार, 15 मिनट होगी खड़े हुए, सैंडविच नहीं आ रहे, भूख लग रही है फिलहाल अभी। सो गाइस इधर आ चुके हैं सुनील चाचू, जिनका वेट था, इनका वेट नहीं था फिलहाल, सैंडविच का वेट था, वो आ चुके हैं। तो अपना खाते पीते मस्त चलेंगे। थैंक यू चाचू। ये आ चुके हैं रुचि बुआ, जिनका वेट था, और इन बुआ का वेट नहीं था, इस चीज का वेट था। तो अभी फिलहाल चलते हैं। गाइस आते ही सैंडविच में सारे टूट पड़े हैं, तो मैंने खा लिया, चाचू ने खा लिया,
इधर सैंडविच पार्टी सो अभी खाली है सैंडविच वगैरह, अब देखते हैं आप स्टॉप लेते हैं। ओहो जरूरी था तो अभी हमने खा लिया है सैंडविच। इधर भुआ लेके आई थी सैंडविच खा लिया, परांठे भी लेके आई है, लेकिन अभी परांठे वगैरह मम्मी और सब खा रहे हैं। बाकी यहाँ अभी पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं स्टॉप ले तो लेना तो है शायद, बाकी देखते हैं क्या सीख जाएगा। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी। सो गाइज अभी इधर पेट्रोल पंप पे स्टॉप ले लिया, यहाँ पे चाय वाला भी था तो यहाँ सारे चाय वगैरह पी रहे हैं, जिस जिसको पीनी है। उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे शायद, बाकी देखते हैं क्या सीन रहेगा। अभी कर लिया है सबने इधर चाय पार्टी, तो फिलहाल चलते हैं अब सीधा नॉन स्टॉप। सो गाइज अभी हम निकल पड़े थे वहाँ से टी ब्रेक लेके एंड पेट्रोल वगैरह फुल करा के, तो अब नॉन स्टॉप जाएंगे। यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर है चिंतपूर्णी माता का मंदिर, और टाइम कुछ दो ढाई घंटे लगेंगे नियर अबाउट, क्योंकि ये सारा अब माउंटेन वाला एरिया आ जाएगा। तो अब देखते हैं कितनी देर में इसको कवर, मतलब कितनी देर में पहुंचते हैं सुबह। और अभी टाइम हो चुका है 3:30 बज चुके हैं, लगभग 5:30 बजे पहुंचेंगे, फिर देखते हैं क्या सीन रहेगा वहाँ चल के। तो अभी इधर माउंटेन्स आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 4:26, और अभी इधर रह रहा है हमारा 36 किलोमीटर, एक घंटा दिखा रहा है भाई 30 किलोमीटर का भी, देख लो इतना टाइम पहाड़ों में। तो अभी फिलहाल अप्रोक्स हम 5:30 बजे तक पहुंचेंगे, तो सीधा माँ दर्शन करेंगे। सो गाइज अब फाइनली पहुंच चुके हैं चिंतपूर्णी माता के पास, और ये अभी टाइम हो चुका है 5:38, और पीछे का व्यू देखो क्या ज़बरदस्त आ रहा है। और हमें पूरे 8-9 घंटे हो गए ड्राइव पे, और रात को मैं तो एक मिनट भी नहीं सोया, ना ड्राइवर सोया, ड्राइवर सोता तो पहुंची ना बातें, और ड्राइवर सो जाता तो आप अब भी सो जाते। हाँ, और फिर चाचू भी नहीं सोए, और तो बाकी सब सो लिए, मतलब आधा एक घंटे तो हर एक बंदा सोया, बस मुझे चाचू को और ड्राइवर को छोड़ के। और व्यू देखो यहाँ से, अब आके जो जन्नत मिल रही है ना, मज़ा आ गया। ऊपर से जो ये वाला रास्ता था ना, जहाँ यहाँ चढ़ाई स्टार्ट हुई थी चिंतपूर्णी माता की, भाई ऐसे ऐसे कट, इस तरफ मुड़े फिर उस तरफ मुड़े, और इतना गंदे गंदे कट, तो उसमें सिर घूमने लग गया फिलहाल। और यहाँ का व्यू देखो क्या ज़बरदस्त आ रहा है भाई। अपनी गाड़ी पार्क हो चुकी है, और ये पता नहीं कौन क्या बिल्डिंग बन रही है, मॉल वगैरह टाइप कुछ भी, लेकिन पार्किंग बनी हुई है पूरी, रिजर्व पार्किंग है गवर्नमेंट। तो अभी यहाँ सारे उठ चुके हैं सुबह सुबह, तो अभी सारे यहाँ बातें कर रहे हैं, एंड अभी मेरी आँखों में नींद होगी क्योंकि भाई पूरी रात नहीं सोया, अब 24 घंटे होने वाले हैं जागे हुए को, तो नींद तो ऑब्वियसली आएगी। अब पहले दर्शन करके आ रहे हैं बिना नहाए धोए, मतलब नहा के कौन जाएगा, अब फिर रूम लेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे दूसरी माता के। तो यहाँ सारे देखो ये भी नींदों में, और सारे नींदों में टोटली। सो गाइज अभी हमने लिए 2 रूम इधर फिलहाल, उसमें भाई नहा लेंगे, फ्रेश हो लेंगे एंड सब, उसके बाद दर्शन कर लेंगे, और रेस्ट करना होगा 2-3 घंटे वो कर लेंगे, तो उसके बाद फिर दूसरी देवी पे चल पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा। अभी फिलहाल रूम लिया है, वो भी धर्मशाला टाइप में पाएंगे जहाँ तक है, पापा चाचू और देख के आए हैं, तो फिलहाल अपना लगेज वगैरह उतारते हैं और वो लेके चलते हैं अब रूम्स में। तो गाइस पूरी रोड पे हम ही हम चल रहे हैं, और तो कोई है ही नहीं इस टाइम पे। तो अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ रूम के अंदर, कुछ ऐसा सा रूम मिला भाई, बिल्कुल सिंपल सर्वर सा, लाइक धर्मशाला जैसा। बस अभी नहा के रेडी होना है, फिर दर्शन ही करने हैं, रेस्ट सो तो कोई भी नहीं रहा, ड्राइवर अपना सो गया होगा, ड्राइवर सोता रहेगा, इतने हम दर्शन वगैरह करके नहा के दर्शन करके रेडी हो जाते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से कांगड़ा ज्वाला जी फिर, और यहाँ से व्यू दिखाओ ना, काफ़ी बढ़िया आ रहा है भाई साहब, सही बालकनी वाला मिल गया, और कोई भी रूम में ना ऐसी बालकनी नहीं है मेरे वाले में है, ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया व्यू है। गाइज अभी मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी, अपना ऑल सेट सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, तो अभी 5 मिनट में निकल रहे हैं मंदिर के लिए, वो रहा फिलहाल मंदिर। इन वादियों में टकरा चुके हैं। तो गाइज अभी इधर सारे हो चुके हैं रेडी, नहा धो के आ चुके हैं ऊपर से, और ये कुछ अपने को गेस्ट हाउस मिला था धर्मशाला टाइप, उससे भी थोड़ा बस नहा लिए जैसे तैसे करके। और ये आपका नेम क्या है, आप यूट्यूब पे आओगे? सो गाइज ये देखो बुआ और सेल्फी ले रही है, ये सिस्टम। तो अभी फिलहाल चलते हैं माता के दर्शन करने, ऑल सेट। तो अभी चाचू और सब आ चुके हैं, और ये दीपक चाचू हमारे, तो ये हर्ष बाबू कुर्ता पजामा पंडित जी बन के आ चुके हैं।
दरबार की जय। जयकारा है शेरा वाली दा की जय। तो गाइस निकलते हैं दर्शन के लिए फिलहाल। सो गाइस मम्मी और तो इधर ही थक गई भाई सारे, देखना अब कितनी पीछे रह गए। वैष्णो देवी तो कैसी जाएंगे पता नहीं भाई, अब भी तो कह रहे सारे पैदल चल देंगे, बाद में कहेंगे घोड़े कर दो। गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं मंदिर, अब देखते हैं मंदिर में अलाउड है नहीं अलाउड। तो अभी फिलहाल सारे आ चुके हैं तो करके आते हैं माता के दर्शन। तो जय माता दी गाइस। सो गाइस अभी आ चुके हैं मंदिर तो करते हैं फिलहाल हम दर्शन। यहाँ से व्यू देखो क्या जबरदस्त आ रहा है भाई साहब। तो गाइस अभी दर्शन हो चुके हैं हमारे, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये है मंदिर, कुछ अंदर से तो वीडियो अलाउड नहीं थी। सो गाइस इधर देवियों को जिमाया जा रहा है, प्रसाद खिलाया जा रहा है। सब आ चुके हैं, सब सारे ऊपर से दर्शन करके माता के। तो भाई सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फुल बढ़िया। तो अभी फिलहाल देखते हैं कहाँ जाएंगे अपना के आगे। और भाई सब तिलक देखो कितना फैल गया है ना, बल्कि हाथ से भी नहीं उतर रहा है देखो यहाँ पे। और जिस हाथ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं उस पर भी लगा पड़ा, पता नहीं किस चीज का तिलक है, सिंपल सिंदूर वगैरह तो है नहीं, तो बिल्कुल गोला सा बना दिया तिलक का। सो गाइज आप ये देख रहे हो हम कितना ऊंचा भी चढ़ के आए थे, ये होगा अप्रोक्स 40-50 डिग्री के नियर अबाउट। तो अभी नीचे जा रहे हैं ना तो ब्रेक ही लग रहा, तन में कह रहे हैं ऊपर चढ़ने से ज्यादा जोर तो नीचे उतरने में आ रहा है बताओ। तो अभी इधर सबने कर लिया, इधर बैठ के ब्रेकफास्ट अपने परांठे चाय वगैरह खा लिया। सो गाइस अभी सब हो चुके हैं रेडी यहाँ से फिलहाल निकलने के लिए, अब जा रहे हैं हम ज्वाला जी माता के। तो अभी यहाँ से अपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद रेस्ट भी कर लिया, तो अब निकलते हैं फिलहाल। अपना बैग बुक वापस पैक हो गया है तो यहाँ सारे बैठ चुके हैं, तो चलते हैं ज्वाला जी। एक घंटे का रास्ता है नियर अबाउट, फिर माँ दर्शन करके फिर कांगड़ा जी, तो चलते हैं। और अभी वेदर तो मतलब धूप सी आ गई, गर्मी है थोड़ी थोड़ी सी, तो अब चलते हैं निकलते हैं यहाँ से।